हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन वाला, कि जब इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स को, तो उस इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर पहले से इंटरेस्ट जो इंक्लूड होता है, यानी व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, ये टॉपिक कवर करेंगे। एग्जाम्पल करवाऊँगी मैं आपको इसका। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियो आप देखें और आपकी स्टडी है जो बूस्टअप हो। आज मैं आपको एग्ज़ाम्पल कराऊँगी इस टॉपिक का, एग्ज़ाम्पल नंबर 56। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में लिखा गया है, बनवारी, गिरधर और मुरारी जो पार्टनर्स है फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 4:5:6 है। 31 मार्च 2014 को गिरधारी रिटायर हो चुका है। इस डेट को जो कैपिटल है बनवारी, गिरधारी और मुरारी की, बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी इसमें अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की गई है, तो बैलेंसेस कैपिटल के गिवन है 2,01,50,000 से। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट, कहते जब गिरधारी की रिटायरमेंट हुई है, गुडविल है जो पूरी फर्म की वो 1,14,000 से है। तो यहाँ से हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्ट इन अ प्रॉफिट, कहते जब रिवेल्यूशन किया गया असेट और लाइबिलिटी का तो उससे प्रॉफिट आया 6,000। जनरल रिजर्व जो ऑलरेडी बुक्स के अंदर पड़ा है वो 30,000 से है। अमाउंट जो पे की गई गिरधारी को वो ट्रांसफ़र कर दी गई उसके लोन अकाउंट में, और बनवारी और मुरारी एग्री हुए हैं कि गिरधारी को 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 75,000 से, ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। कहते कि इस 75,000 में जो दो इंस्टॉलमेंट 75,000 की दी जाएगी रिटायरिंग पार्टनर को, इस 75,000 में कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि पहले से इंक्लूड किया गया इंटरेस्ट, दोबारा इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, कहता जो भी लास्ट में बैलेंस बचेगा थर्ड ईयर में क्लियर कर दिया जाएगा। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स, कहते जब फर्म क्लोज करती है हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च को क्लोज किए जाते हैं। प्रिपेयर क्या करना है, गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है टिल इट इज़ फाइनली पेड शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियर, जब तक उसका लोन है जो पूरी तरीके से चुकाया नहीं जाता तब तक उसका क्या बनाना है, हमने लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है वैसे वैसे करते हैं हमें, लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए कि लोन अकाउंट के अंदर है जो कितना ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि गिरधारी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे हम गिरधारी का कैपिटल अकाउंट है जो प्रिपेयर करेंगे, गिरधारी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सिर्फ हमें गिरधारी के बारे में है जो यानी कि सेटलमेंट करनी है अकाउंट्स की। जो इनके बैलेंसेस गिवन है ये बिफोर एडजस्टमेंट है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से हम देखते हैं। जो गिरधारी का बैलेंस है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है 1,00,000 रुपीज़ से, तो 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर जो गुडविल का शेयर है, पूरी फर्म की गुडविल है जो 1,14,000 से है, तो पूरी फर्म की 1,14,000 है, तो यहाँ से मैं गिरधारी का शेयर जो रेशो गिवन है 4:5:6, तो इससे मैं 5/15 करके 38,000 से क्या कर सकती हूँ, गिरधारी का शेयर निकाल सकते हैं। तो जो ये गिरधारी का शेयर होता है इसको हम कहाँ दिखाते होते हैं, गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में जब दिखाएंगे, तो जो ये शेयर है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखो इसकी मैं आपको जनरल बता देती हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो कि कहीं मैंने कुछ डिफरेंस करवा दिया है। देखो बच्चों, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जैसे यहाँ पे गिरधारी है, तो गिरधारी का जो शेयर आता है गुडविल का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होता है रिमेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में। तब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स में हमारे पास दो बचते हैं, बनवारी, और नेक्स्ट आता है हमारे पास बनवारी के अलावा मुरारी। तो बनवारी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है और मुरारी कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। मुरारी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी 2 में, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है गिरधारी
तो गिरधारी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट करते होते हैं। तो यहाँ पे जिसका शेयर आया 38,000, जब हम 38,000 के गेनिंग रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो रेशियो हमारे पास 4:5:6 है, जो ये तो रिटायर होगा, तो ये 4:6 ही क्या जाएगी हमारे पास न्यू रेशियो, और यही गेनिंग रेशियो है जो मानी जाएगी। यानी कि 4:6 ही क्या होगी हमारे लिए न्यू रेशियो होगी है, और 4:6 ही हमारे लिए क्या होगी है गेनिंग रेशियो हो गया है। ये तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास क्वेश्चन में बच्चों गिवन नहीं होता न्यू जो शेयर होता है पार्टनर्स का। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसका शेयर बनता है। जब हम इसको सोल आउट करेंगे, सोल आउट करके जब हम देखते हैं कि बैलेंसेस जो कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके पता चलेगा हमें कि 38,000 मल्टीपल करते हैं हम 4 से, डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो हमारे पास बन जाएगा ये 15,200 से बैलेंस आ जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट 38,000 मल्टीपल करते हैं 6 से और डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमारे पास बन जाएगा 22,800 से। तो ये इनका गेनिंग शेयर होता है 38,000 का, जो क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमारे पास है जो न्यू रेशियो गिवन नहीं था, अदरवाइज हम गेनिंग शेयर निकाल लेते। तो यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे हम अपोजिट नेम दिखाते होते हैं। जैसे यहाँ पे बनवारी है तो बनवारी की कैपिटल अकाउंट आ जाएगी, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास मुरारी है तो मुरारी का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,200 और ऐसे 22,800, तो इस तरीके से उसका 38,000 है जो वो कंप्लीट कर दिया गया शेयर। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट जो होता है रिवैल्यूएशन का वो बच्चों क्रेडिट साइड पे जाते हैं। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट गिवन है वो हमें 6,000 टोटल दे रखा है बच्चों, तो इसमें सिर्फ मैं गिरधारी का शेयर कैलकुलेट करूँगी 5/15 करके, क्योंकि मैं सिर्फ गिरधारी का कैपिटल अकाउंट जो बना रही हूँ, तो मेरे पास बैलेंस बन जाएगा 2,000 से। ऐसे जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 30,000 का, तो उसमें भी मैं इसका शेयर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10,000 से। तो इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट सारी कर ली है, क्योंकि बिफोर एडजस्टमेंट था जो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन था, तो मैंने एडजस्टमेंट कर ली इसमें सारी। तो अब देखते हैं कि कितना पेमेंट बनता है। तो जब मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास 1,50,000 बनता है, तो यानी कि मुझे रिटायरिंग पार्टनर को 150 देना है। तो टू में किस नाम से दिखाते होते हैं आप, यहाँ पर गिरधारी का लोन अकाउंट, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है बच्चों कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को 1,50,000 जो अब पे करनी है। अब इसके बाद हम लोन अकाउंट बनाते हैं गिरधारी का, गिरधारी का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा क्योंकि इसको क्या करनी है, पेमेंट देनी है। तो गिरधारी लोन अकाउंट हम बनाते हैं, सबसे पहले डेट आती है, फिर आते हैं हमारे पास पार्टिकुलर्स, फिर आती है हमारे पास अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम डेट का आता है, फिर हमारे पास आती है पार्टिकुलर्स एंड देन आती है अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स एंड देन क्या आती है, अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस आता है। अब देखो सबसे बच्चों, सबसे पहले अपने डेट देखने होते हैं बच्चों की रिटायरमेंट किस डेट को ही है। तो हमने देखा 2014 की 31 मार्च का जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, यानी कि जो बैलेंस आया हमारे पास वो 31 मार्च 2000 का अपने पास क्या आ गया, 2014 का बैलेंस आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखते होते हैं बाय गिरधारी के कैपिटल अकाउंट से जो ये बैलेंस आता होता है, गिरधारी कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस आ गया, हमने कैलकुलेट किया था अभी 1,50,000 से। 150 जो इसमें इंस्टॉलमेंट दी जाती है बच्चों, कहता है 75,000 की जो इंस्टॉलमेंट की गई है वो हमारी इंस्टॉलमेंट है जो ईयरली है, मतलब एनुअल बेस पे हम देते हैं। तो जब मैं इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी तो इंटरेस्ट देखो 2014 का ये बैलेंस है, जब मैं 1 अप्रैल को इसको क्लोज करूँगी तो कोई दिन बनता ही नहीं है, तो फिर इसके बाद तो कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, तो इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा 2014 की 31 मार्च को। यहाँ पे बाय सॉरी टू में आता था यहाँ पे बैलेंस बच्चों, टू में बैलेंस बीडी के सीडी के नाम से करूँगी, तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 1,50,000 से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ये ईयर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या करते होते हैं, हम रेफ़र करते होते हैं। तो जब मैं इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर रेफ़र करूँगी तो 2014 की ही
फर्स्ट अप्रैल को मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, ये बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। कितना बैलेंस रेफ़र कर देंगे, 1,50,000 से। अब इस साल का तो बच्चों ब्याज लग जाएगा ना, पूरे साल कंप्लीट हो जाएगा। 2015 की 31 मार्च को जब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी बाय इंटरेस्ट के नाम से, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 1,50,000। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 10% से है, तो यानी कि मुझे 15,000 है जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके बना है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, कहता 75,000 की 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे की गई है, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट के अंदर पहले से इंटरेस्ट क्या है इंक्लूड है। तो जब मैं इसकी इंस्टॉलमेंट पे करूँगी 2015 की 31 मार्च को, तो फर्म से क्या जाएगा, बैंक जाएगा, टू में बैंक के नाम से आ जाएगी। यहाँ पे 75,000 डायरेक्ट आ जाएगा, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बताया गया है कि इन 75,000 के अंदर पहले से इंटरेस्ट क्या शामिल है। तो अब मैं 31 मार्च को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। जब मैं 150 में प्लस कर दूँगी 15,000 और माइनस कर दूँगी 75,000, तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 90,000 से। तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर यही बैलेंस नेक्स्ट रेफ़र किया जाएगा जब, तो 2015 की 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर होगा हमारा। तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से हम इसको दिखाएंगे, 90,000 जो बैलेंस रेफ़र कर दिया जाएगा। अब फिर मैं 2016 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ, 2016 की हमारे पास 31 मार्च का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब, तो बाय इंटरेस्ट के नाम से कितना अमाउंट पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 90,000। उसके ऊपर जब 10% कैलकुलेट किया जाएगा, तो 9,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो जब हम इसकी पेमेंट करेंगे 2016 की 31 मार्च को, तो जब बैंक पे की जाएगी तो बैंक के नाम से, यहाँ पे कहता 75 की 2 इंस्टॉलमेंट है, एक मैंने ऊपर पे कर दिए, एक अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए दोबारा से इंटरेस्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। अब इसी डेट को हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। जब हम बैलेंस कैलकुलेट करें तो 24,000 बैलेंस है जो आ जाएगा। इसको क्लोज करके नेक्स्ट हम फिर 2016 की 1 अप्रैल को बैलेंस रेफ़र करते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से, कैरी फॉरवर्ड वाला 24,000 से क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर हम 2017 की 31 मार्च को इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना पेंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 24,000 बैलेंस है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। जब हम 2017 की 31 मार्च को पेमेंट करेंगे टू में बैंक जाएगा, तो क्वेश्चन में बोला है कि जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और इंटरेस्ट है वो दोनों इकट्ठा पेमेंट कर देना है, यानी कि 26,400 क्या हो जाएगी, इसकी पेमेंट हो जाएगी। इस तरीके से अकाउंट क्या कर देंगे, उसका हम क्लोज कर देंगे, लोन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से ये सम था, जब ऑलरेडी हमारे इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप बच्चों के आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कराऊँगी। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।